प्रदेश की सियासी हलचलों के बीच फिलहाल कुछ भी साफ होता नहीं दिख रहा है। जहां जयपुर में सियासी पारा चढ़ा हुआ है, वहीं इस बीच बीते चार दिनों से दिल्ली में बैठे पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के आज जयपुर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार सचिन पायलट की प्रियंका गांधी से मुलाकात नहीं हो सकी। ऐसा इसलिए क्योंकि वे शिमला में हैं। लिहाजा ताजा जानकारी यही है कि सचिन पायलट अब मुलाकात ही जयपुर लौट रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को पायलट AICC के सचिव काजी निजामुद्दीन से मिलने हरिद्वार जाएंगे। पिछले दिनों काजी की मां का देहांत हो गया था, इसके बाद वहीं से सीधे जयपुर के लिए रवाना होंगे। दरअसल सचिन पायलट की कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात होना चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। जानकारों का कहना है कि पायलट समर्थकों में इस बात को लेकर निराशा है। वहीं इस बात की चर्चा की राजस्थान कांग्रेस में मची कलह को थामने के लिए शीर्ष स्तर पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही है, उनकी नाराजगी को बढ़ा रही है। फिलहाल पायलट समर्थकों की मांग पूरी ना होना पाना और कैबिनेट विस्तार जैसे मुद्दों को हल ना होना पायलट समर्थकों में मन में बेचैनी पैदा कर रही है। दरअसल सचिन पायलट से लेकर उनके समर्थकों तक सबसे ज्यादा इस बात को लेकर चर्चा में है कि उनकी वापसी के दौरान बनाई गई 3 सदस्यीय सुलह कमेटी की ओर से अभी तक मुद्दों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, ना ही आलाकमान की ओर से इस पर दिलचस्पी दिखाई दी है। वहीं हाल ही में सचिन पायलट ने भी अपने एक बयान में इसका जिक्र किया था कि जानकारों की माने तो सचिन चाहते हैं कि जल्द से जल्द कमेटी इस मामले में अपनी रिपोर्ट पेश करे ताकि उनके समर्थकों का विश्वास बढ़ाया जाए। आपको बता दें कि पंजाब के मामले में आलाकमान ने कमेटी की गठित की व 10 दिन में कमेटी से रिपोर्ट भी ले ली, हालांकि रिपोर्ट पर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। इधर सीएम गहलोत के सोमवार को जारी बयान ने एक बार फिर सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। दरअसल अशोक गहलोत ने अपने बयान में कहा है कि कोविड-19 संक्रमण होने के बाद से उनको पोस्ट कोविड की सावधानियों को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी है कि 1 से 2 महीने उन्हें किसी से भी व्यक्तिगत मुलाकात करने से बचना चाहिए। सीएम गहलोत के इस बयान के अब संकेत निकाले जा रहे हैं कि फिलहाल कैबिनेट विस्तार मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए गहलोत का बाहर निकलना जरूरी है। लिहाजा माना जा रहा है कि फिलहाल कैबिनेट विस्तार होना संभव नहीं है। सियासी घमासान और तकरारों के बीच पायलट समर्थक हरीश मीणा का बयान भी चर्चा बटोर रही है। हरीश मीणा ने कहा है कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें जिताने वाले पूर्वी राजस्थान के विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही है, अफसर मनमानी कर रहे हैं और अफसर राज चल रहा है। हम सचिन पायलट के साथ हैं और रहेंगे, लेकिन पायलट के साथ होने का मतलब कांग्रेस के खिलाफ होना नहीं है। उन्होंने कहा है कि जिस पूर्वी राजस्थान से सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती है, वहीं से आज के एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है, लिहाजा अभी जो गतिरोध चल रहा है उसका जल्द से जल्द समाधान निकालना जरूरी है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान की पॉलिटिक्स इन दिनों कई रोचक मोड़ देखने को मिल रहे हैं। यहाँ ऊंट कभी इस करवट तो कभी उस करवट बैठता दिख रहा है, लेकिन इसी बीच सीएम अशोक गहलोत की ओर से सोमवार को जारी बयान ने एक बार फिर सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। दरअसल अशोक गहलोत ने अपने बयान में कहा है कि कोविड-19 संक्रमित होने के बाद से उनको पोस्ट कोविड की सावधानियों को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी है कि 1 से 2 महीने उन्हें किसी से भी व्यक्तिगत मुलाकात करने से बचना चाहिए। सीएम गहलोत ने इस बयान के अब संकेत निकलने लगे हैं, फिलहाल कैबिनेट विस्तार मुश्किल है। वहीं जानकारों का कहना है कि सीएम गहलोत लंबे समय से वर्चुअल मीटिंग के जरिए ही हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। विभागों की बैठकें और रिव्यू मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई जा रही है और कोरोना से लेकर अब तक 15 से 16 माह में करीब 355 BC की जा चुकी है, जिसमें कई बार गांव तक के प्रतिनिधि पंच सरपंच तक भी जुड़ते रहे हैं।
दरअसल जानकारों का कहना है कि फिलहाल जैसी स्थितियां बनी हैं पायलट खेमे के बाद बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक और अन्य कुछ विधायकों की ओर से सीएम पर कैबिनेट विस्तार को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, उसे तोड़ना का भी इसे एक माध्यम माना जा रहा है। वहीं राजनीति के जानकारों का कहना है कि गहलोत की सियासत की यह परंपरा रही है कि वह दबाव में कोई काम नहीं करते, इससे लोगों में गलत मैसेज जाता है। वहीं जब गहलोत खेमे की ओर से भी कैबिनेट विस्तार की आवाज उठ रही है, उनके खेमे के विधायक भी यह कह रहे हैं कि अब कैबिनेट विस्तार पर टाल मटोल रवैया जनता में पार्टी की छवि को खराब कर रही है। जहां इशारों में सीएम गहलोत ने संकेत दे दिए हैं अभी कैबिनेट विस्तार किया जा संभव नहीं है, वहीं इस बीच दो धड़ों में बटी कांग्रेस सरकार की दोनों खेमेबाजी बयानों की बौछार जारी है। वहीं बीते दिन एक शायरी के जरिए गहलोत खेमे के मंत्री सुभाष गर्ग ने परिंदे घोंसला बदलने को आतुर ट्वीट कर राजनीतिक इशारा समझने की कोशिश की थी। वहीं इसका जवाब पायलट खेमे के खास वेद प्रकाश सोलंकी ने दिया था। वहीं जवाब में सोलंकी ने लिखा है कि कुछ परिंदे सिर्फ दूसरों के घोंसलों पर कब्जा करते हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गहलोत खेमा पर लगातार अपनी बात रख रहा है। बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों ने इस विषय को लेकर बात करने के लिए बैठक करने का भी फैसला लिया था। इन छह विधायकों में से एक और राजेंद्र सिंह गुड्डा ने टीओआई को बताया है कि छह में से पांच विधायक सोमवार को जयपुर में बैठक करेंगे। भरतपुर में नगर विधायक राजीव अली, जो वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में है, उनके फोन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि हम सभी मुख्यमंत्रियों के साथ हैं। गुड्डा ने कहा है कि लखन सिंह ने कैबिनेट विस्तार की मांग की है, जो सही है, लेकिन यह कब और कैसे होना चाहिए यह सीएम का विशेषाधिकार है। वहीं इधर प्रदेश में मची इस सियासी हलचल पर देर रात तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने भी एक ट्वीट कर तंज कसा था। जानकारों का कहना था कि उन्होंने हिंदी की एक कविता ट्वीट कर सरकार के खिलाफ होने वालों को संदेश दिया है। वहीं मंत्री गर्ग ने अपनी कविता में लिखा था कि ये मौसम ही है ऐसा आतुर है, परिंदे घोंसले बदलने के लिए। उल्लेखनीय है कि गर्ग के इस ट्वीट को सियासी हलचल से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।